तो मैं 10th 12th अपना बिहार से की, और बिहार से करने के बाद मैं अच्छी स्टूडेंट थी, बिहार में टॉप 1% में आई। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एक अच्छे कॉलेज में, आई करके अभी इमरॉल्ड के पोजीशन पे हूँ। तो अभी मेरी पीएचडी लाइफ चल रही है, रिसर्च स्कॉलर में हूँ। फ्राइडे को नाइट को निकलती थी, कहीं पे सैटरडे पहुंचती थी, सैटरडे पूरा दिन काम करती थी, संडे पूरा दिन काम करती थी, और संडे की रात को अपना ट्रेन पकड़ के या जो भी बस पकड़ के मैं वापस कॉलेज आती थी। मंडे को सुबह से मैं अपना कॉलेज अटेंड करती थी। मैं उनको बोली कि वो गूगल में थी, और फिर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने बोला कि हाँ प्रेग्नेंट है तो अभी तो जॉब नहीं कर सकती ना, तो रिजाइन करके आ रही है क्योंकि उतना लंबा लीव नहीं मिलता। मधुसूदी है, बिहार से बिलोंग करती हूँ, और बिहार में एक छोटे से परिवार में, मिडिल क्लास फैमिली में, जहाँ के किराना दुकान से पूरा घर का खर्च चलता था, और उस घर में मैं पैदा हुई। लेकिन अच्छी बात ये थी, भाग्यशाली इस बात की थी कि मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, कभी ये फील नहीं करने दिया कि तू लड़की है तू कुछ नहीं कर सकती। इनफैक्ट कई बार मेरे भाई से ज्यादा प्यार मुझे मिला, भाई से ज्यादा मुझे वो दुराय मिला कि तुम इस लोकल एरिया में रह के, जहाँ पे लड़की को ज्यादा कुछ नहीं माना जाता, उस इलाके में रह के भी तुम्हें बहुत बड़ा करना है। तो बहुत पेम्पटिंग से मुझे मम्मी ने रखा, वो संघर्ष मैंने मम्मी का देखा, और देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार जिंदगी में कुछ बड़ा करना होगा इस लाइफ से निकलने के लिए। तो समझ में आ गया था कि मुझे बहुत कम समय में बहुत बड़ा करना होगा, तभी हम यहाँ से निकलना चाहेंगे। कहते हैं ना, जब आप समतल जमीन पे होते हैं ना, तो समतल जमीन से ऊंचा उड़ने में आपको कम समय लगता है, लेकिन हम समतल जमीन पे नहीं थे। हमारी जो फैमिली कंडीशन थी वो समतल जमीन पे नहीं थे, हम गड्ढे में थे। तो कई टाइम तो हमें इस गड्ढे से निकलने पे समतल तक आने में लगा, अब थोड़ा सा ऊंची उड़ान का हम लोग सोच रहे हैं। तो कहते हैं आजकल बिजनेस वो करता है जिसका या तो अभाव होता है या तो भाव होता है, और मेरी भाग्यशाली मैं थी कि मेरे पास दोनों था। मेरे पास अभाव भी था लाइफ में, और मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है, और इस बिजनेस को करने का भाव भी आ गया था। वो भाव कैसे आया था वो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो मैं 10th 12th अपना बिहार से की, और बिहार से करने के बाद मैं अच्छी स्टूडेंट थी, बिहार में टॉप 1% में आई। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एक अच्छे कॉलेज में, आई मैं 2015 से कॉलेज में आई, और 2015 से मैं बिहार से बाहर में रहती हूँ, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। तो 2015 से मैं हॉस्टल की लाइफ जी रही हूँ, और अभी भी मैं हॉस्टल की ही लाइफ जी रही हूँ। और हॉस्टल की लाइफ ऐसी होती है जहाँ पे सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। यहाँ पे मम्मी नहीं होते, पापा नहीं होते जो आपके खाने का ख्याल रखेंगे, आपके पीने का ख्याल रखेंगे, आपके कपड़े का ख्याल रखेंगे। तो बहुत संघर्ष वाली लाइफ ऐसे ही हो जाती है, और खासकर जब आप रिसर्च स्कॉलर हो तो यहाँ पे जहाँ पे 12-12 घंटे आपको लैब में रहने पड़ते हैं, 10 घंटे 8 घंटे नॉर्मल आपको रहने पड़ते हैं, उस काम को करना होता है, उसके साथ में बिजनेस को करना थोड़ा तो टफ था। लेकिन कहते हैं ना, जब आपके सपने बड़े हो, आपका मकसद बड़ा हो, आपका लक्ष्य बड़ा हो, तो आप सब चीजों को मैनेज करना सीख जाते हैं। और वही हुआ कि मैंने मैनेज करना सीखा, धीरे धीरे समय लगा पर मैंने मैनेज किया, और मैनेज करके अभी इमरॉल्ड के पोजीशन पे हूँ। तो अभी मेरी पीएचडी लाइफ चल रही है, रिसर्च स्कॉलर में हूँ, और अब चलते हैं उस चार बातों के बारे में बात करने के लिए, जो चार चीजें करके मैं बहुत आगे लेवल तक आई हूँ। आगे लेवल नहीं बोल सकते, इस जर्नी तक आती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मधु बहुत कम समय में इमरॉल्ड आ गई, बहुत कम समय में कर लिया, पर मैं बोलती हूँ कम समय कुछ भी नहीं होता, संघर्ष तो उतना ही करना पड़ता है। कम एज में कर पाई क्योंकि कम एज में स्टार्ट किया था। अगर कोई 18 साल में स्टार्ट कर देता तो 25 साल तक तो कर ही ले पाएगा ना, तो वही था। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, जैसे स्क्रीन आ जाए तो एक बार कोई को होस्ट आते मुझे एक बार कन्फर्म कर देंगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है मैम? यस मैम, दिख रही है। तो फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, और आज हम उस चार चीजों के बारे में बात करेंगे जो चार चीजें मुझे यहाँ तक लाने में मदद की है, और वो आपको भी मदद कर सकती है। और आज हम कंप्लीटली बात करेंगे महिलाओं को ध्यान में रख के, क्योंकि पुरुष को कैसे सफल बनाना है ये बहुत सारे लोग बताते हैं, पर महिलाओं की समस्या महिला ही समझती है। और उस समस्या से निजात पाके अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हमें पता है कि इस समस्या से आप भी इस तरीके से अगर आप डील करेंगे तो आप भी इस लेवल पे आ जाएंगे। इनफैक्ट आज के टाइम पे जितने प्रोडक्ट हैं, जितनी सपोर्ट सिस्टम है, आज कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कहाँ पे है कहाँ पे बैठा हुआ है वो आके आप सभी को सपोर्ट कर रहा है। तो हो सकता है आप कम टाइम में, मुझे इतने टाइम में इमरॉल्ड पे आई, हो सकता है इतने टाइम पे आप रूबी पे भी जा सकती हैं, स्टार रूबी सफारी बन सकती हैं। सबसे पहला काम जो मैंने किया, सबसे पहला काम होता है, वो काम होता है आपका सेल्फ डिसीजन का।
अब देखिए आरसीएम को ज्वाइन करना और आरसीएम में डिसीजन ले लेना कि मुझे सफल बनना, ये दोनों अलग अलग बात होती है। जो सीनियर साथी हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है, आरसीएम की जर्नी तब स्टार्ट होती है जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि ये आरसीएम सही प्लेटफॉर्म है और मुझे यहाँ पे सफल बनना है। और ये जो सेल्फ डिसीजन है ना, ये ज्वाइनिंग के टाइम पे भी आ सकता है, ज्वाइनिंग से 3 महीने बाद भी आ सकता है, ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद भी आ सकता है। और मैं बोलती हूँ कि कुछ लोग आपको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में, पर डिसीजन लेना खुद आपको ही पड़ेगा। और ये जब तक आपका सेल्फ डिसीजन नहीं होगा तब तक आपका वो कमिटमेंट नहीं आएगा और आप हिलते डुलते रहेंगे। कभी परिवार वाले कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो आप उसमें हट जाएंगे, कभी आपके रिश्तेदार कुछ बोलेंगे तो आप साइड हो जाएंगे, कभी आपके पड़ोसी कुछ बोलेंगे तो साइड हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने सेल्फ डिसीजन ले लिया उस दिन आपके अंदर वो सेल्फ कमिटमेंट आ जाएगा और आप अलग लेवल पे चला जाएंगे। मेरे लिए एक सेल्फ डिसीजन का सबसे अच्छा हेल्प किसने किया था, मेरी अपलाइन ने हेल्प किया था। और साथ में मैं उस टाइम पे एक टीनेजर जो एज होती है ना, जहाँ पे आप 18-19 साल के बच्चे होते हैं, 18-19 साल का बच्चा जो होता है ना उसको लगता है पूरी दुनिया में सबसे बुद्धिमान वही है। मैं सच बोल रही हूँ, उनको लगता है कि हमारे माँ बाप भी हमें नहीं समझते, हमारे कोई भी टीचर भी नहीं समझते, मैं ही हूँ जो सब कुछ समझता हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे सपोर्ट तो किया था पर मैं उनकी बात को मानने के लिए रेडी नहीं थी। मैं बोली कि मैं अपना डिसीजन खुद ही लूंगी। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट किया और अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीजें मैंने सर्च की, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हो, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हो, दूसरी अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में हो। और मैं जिस रिसर्च में जाना चाह रही थी, मैं जिस प्रोफेशन में जाना चाह रही उसके बारे में मैं सोचना स्टार्ट, तब मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ क्या हो सकती है। मेरी लाइफ ये है कि मैं अपनी लाइफ में अभी ग्रेजुएट, जिस टाइम पे मैं स्टार्ट की थी उस टाइम पे मैंने ग्रेजुएशन कर रही थी। अब जरा से इस बात को सोचिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने कैसे डिसीजन लिया एज ए लेडी, एज ए गर्ल, एज ए फीमेल, कि क्यों मुझे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा करना है। और ये चीज अगर कोई यूथ सोचता है ना तो वो भी डिसीजन ले पाएगा, और खासकर में कोई एक लड़की इस तरीके से सोचेगी तो वो डिसीजन ले पाएगी। अब हमें समझना है कि हमें सोचना कैसे है। देखिए जिंदगी में हमें ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी चीज पे डिसीजन लेना है तो हमें सोचना कैसे है। और सोचने के लिए आपको लाइफ में अपने 5-10 साल आगे तो देखना ही पड़ेगा। वो 5-10 साल मैंने देखने की कोशिश की। मैंने क्या देखने की कोशिश की कि मेरी एजुकेशन होते क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूँ, मैं रिसर्च में हूँ, तो मैं जब जिस टाइम पे आऊंगी 18 साल की उम्र में आरसीएम की स्टार्ट या कोई भी कर सकता है, मैंने तो लेट से किया था थोड़ा। मैं सोची मैं पहले ग्रेजुएशन करूंगी, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपनी पीएचडी पढ़ाई करना स्टार्ट की, और पीएचडी के बाद मुझे मेरे पास एक जॉब आएगी, और जॉब जो आएगी वो जॉब जो स्टार्टिंग होती है वो 2 लाख से स्टार्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट 2 लाख या 2-1.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरी उम्र पीएचडी करते करते लगभग 28 साल की हो जाएगी, 28 साल की उम्र के बाद मैं एक जॉब में जाऊंगी, और जॉब में जाने के बाद मेरे पास 2 लाख रुपए महीने तो होंगे, लेकिन 2 लाख रुपए महीने के बाद मैं एक जगह पे 10 to 5 या 10 to 6 में रह जाऊंगी, और 10 to 6 रहने के बाद मुझे अपने 60 साल तक वो जॉब करना पड़ेगा। हो सकता है सैलरी बढ़ेगी पर बढ़ते बढ़ते कितना जाएगी, 2 लाख से 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। और बाई चांस बीच में कभी ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी को मेरे जरूरत पड़ी और मुझे मेरी मम्मी के पास 1 महीना के लिए जाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं मम्मी के अकाउंट में डाल दूंगी 10,000-20,000 रुपया, मम्मी को बोलूंगी मम्मी बाई रख लो। अब ये जो सवाल मेरे मन में आया था ना, मुझे अंदर तक झिझोड़ दिया था कि मेरी मम्मी ने 9 महीने तक मुझे पेट में रखा, गर्भ में रखा, उतना कष्ट, उतनी सबको सहने के बाद मैं एक ऐसे प्रोफेशन में जाऊंगी जहां पे मेरी मम्मी के लिए मुझे अगर 1 महीना निकालना पड़े तो मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, तो क्या फायदा ऐसी लाइफ का। अगर मेरी मम्मी को कभी जरूरत हुई मेरे लिए वहां पे रहने की और 3 महीने के लिए मैं जाना चाहूँ तो 3 महीने की छुट्टी कहीं नहीं मिलेगी। वो बोलेगा बेटा या तो लीव लेके जाओ या कि ऐसे छुट्टी लेके जाओ जहां पे आपका कोई भी पेमेंट नहीं बनेगा, या कभी कभी ऐसा होगा कि रिजाइन करके जाओ। ये सब जॉब में है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, अच्छी से अच्छी जॉब हो। तो मुझे लगा क्या मैं इस चीज के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, इस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि कभी मेरी मदर को मेरी जरूरत पड़े तो मैं उसका साथ ना दे पाऊं और मैं पैसे के पीछे भागती रहूं। और पैसे भी कितने, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख में कुछ नहीं होता आज के टाइम पे, अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो। अगर एक बार आप फैमिली ट्रिप करते हैं और फैमिली ट्रिप को लेके कहीं पे मंदिर घूमने भी जाते हैं जो दूसरे स्टेट में है, जाने आने का खर्च, सब कुछ रहने का खर्च कम से कम अराउंड 30,000 का हो जाता है। ये हालत है आज के टाइम की। तो हम क्या कर रहे हैं, ना हम फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, अपनी मदर जिन्होंने इतने टाइम तक हमें रखा अपने घर में उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं ये सोच के
जोर गई, मुझे लगा मुझे जिंदगी भर काम करना है और वो काम करने के बावजूद मम्मी के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगी, तो ऐसी लाइफ तो मुझे नहीं चाहिए। इसके साथ में दो तीन किस्से ऐसे हुए जो मुझे मजबूर कर दिया इस बिजनेस को करने में। एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। एक बार मैं तभी रॉयल्टी अचीवर थी और तभी मैंने डिसीजन ले लिया था, लेकिन एक किस्सा मैं आपको बता रही हूँ। ये किस्सा है जब मैं सफर के दौरान थी, और सफर के दौरान मैं एक जूम मीटिंग में भी कभी बताई थी, लेकिन ये किस्सा मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ। मैं एक बार मुजफ्फरपुर से कटिहार आ रही थी बाय ट्रेन, और वो जो ट्रेन थी वो आ रही थी चेन्नई से, बड़ी दूर की ट्रेन थी। तो उसमें मेरे सामने एक लेडी बैठी थी, और वो लेडी बहुत अच्छी घर से थी, और हम लोग मतलब अच्छे क्लास में थे, सेकंड क्लास में हम लोग बैठे थे सेकंड एसी में। तो वहां पे एक महिला थी, और महिला बैठी थी, और मैं बहुत ऐसा था कि 15 दिन के ट्रिप के बाद वापस आ रही थी, तो मैं बहुत टायर्ड थी, इतनी टायर्ड थी बोल बोल के मीटिंग करके, होम मीटिंग करके, कि मुझे लगा कि मुझे बस सोना है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब सामने एक महिला बैठी और वो आपसे बात करना चाह रही है, तो फिर आप उसको नहीं झुटला सकते। तो उन्होंने बातों बातें पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, मैं बोले मैं घर जा रही हूँ कटिहार जा रही हूँ करके। तो फिर वो बातों बातों में बताई कि वो चेन्नई में रहती है, उनके जो हस्बैंड है वो साइंटिस्ट है, उनका जो बेटा है वो बहुत बड़ी कंपनी एमएनसी कंपनी में जॉब करता है, और उनकी एक बेटी है और वो भी कहीं पे जॉब करती है, उनकी बहू है जो अभी प्रेग्नेंट है। तो मैं बोली कांग्रेचुलेशन कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है, आप दादी बनने वाली है। तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा अभी जस्ट उन्होंने जा रही हूँ, अभी जस्ट वो रिजाइन करके आ रही है। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, अभी प्रेग्नेंट है वुमेन, तो ऑब्वियसली वो रिजाइन करके आ रही है, बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो ज्वाइन कर लेगी। मैं बोली ठीक है। मैंने पूछा नहीं उनसे कि किस जॉब में थी या क्या था, मैं उतना डिटेल में जाना पसंद नहीं की, मैं छोड़ दी। लेकिन तुरंत वो गर्व से बताई कि मेरी जो बहू थी ना वो गूगल में थी, और गूगल में वो रिजाइन कर दी, एंड मैं 2 मिनट तक के वहां पे एकदम चुप बैठी रही, क्योंकि गूगल में जॉब करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ बात पैकेज की नहीं है, बात है कि उस लेवल का करेज होना, उस लेवल का टैलेंट होना, जिस टैलेंट में आप उस लेवल पे जा पा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैं उनको बोली कि वो गूगल में थी और फिर उन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ प्रेग्नेंट है तो अभी तो जॉब नहीं कर सकती ना, तो रिजाइन करके आ रही है, क्योंकि उतना लंबा लीव नहीं मिल पाया उनको। तो मैं बस ऐसे सोची, आप सोचिए खुद, एक लड़की है जो बचपन से अपने फैमिली से भी कभी संघर्ष की होगी, अपने रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी से संघर्ष करके कितनी कठिन पढ़ाई की होगी, कठिन पढ़ाई करने के बाद वो जॉब में गई, उतना हाई पेइंग जॉब में, गूगल में, जहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चों का नहीं होता, बड़े बड़े आईटीएन का, बड़े बड़े अच्छे लोगों का नहीं होता, वहां पे उस लेवल पे गई, तो उस लड़की कितनी टैलेंटेड होगी। मैं खुद नहीं सोच सकती कि मुझे गूगल में जॉब मिलेगा, मैं उस लेवल की टैलेंटेड नहीं होगी। तो सोचिए उस लेवल पे जॉब पे जाके और वहां पे जिंदगी का एक फेज आता है, इसको हम फेज बोलेंगे, एक फेज आया जहां पे वो उसने एक अलग फेज में, जहां पे वो प्रेग्नेंट हुई, वो अपनी मां बनने का सफर शुरू कर रही है, पर उस मां बनने के सफर में उसने जो सैक्रिफाइस किया, वो आज तक का अगर उसकी उम्र 26 साल है या उसकी उम्र 30 साल है, तो 30 साल की मेहनत अचानक से उसने छोड़ दिया, अचानक से सैक्रिफाइस कर दिया। और ये चीज मुझे इतना झटका लगा कि मैं भी एक फीमेल हूं और हमारे पास आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? ये सवाल खुद से पूछिए, क्यों मेहनत कर रहे हैं हम? मेहनत करते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, एक अच्छा जॉब में जाते हैं, और जॉब जाने के बाद अगर हमारी शादी होती है और हस्बैंड का जॉब अगर कहीं दूसरे जगह है, तो हस्बैंड को कोई नहीं बोलता कि तुम जॉब छोड़ दो। लेकिन ये चीज फीमेल से उस लड़की से उम्मीद की जाती है कि बेटा तुम्हारा पति तो उधर रहेगा ना, और तुम दोनों तो साथ ही रहोगे ना, तो एक काम करो तुम ये जॉब छोड़ दो, दूसरा जॉब तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ना, और ये कह के वो जॉब छुड़वा देते हैं। अब दूसरा जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन सैक्रिफाइस किसने किया? उस लड़की ने। ये एक छोटी सी सैक्रिफाइस है, लेकिन जब माँ बनते हैं उसके बाद बड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मेरी माँ ने अगर सैक्रिफाइस नहीं किया होता तो आज मेरी परवरिश इतनी अच्छी नहीं होती, मेरे संस्कार इतने अच्छे नहीं होते, मैं इतने अच्छे मुकाम पे नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास ऑप्शन है एक ऐसा काम करने का जो काम हमें ये सब सैक्रिफाइस करने नहीं देता, आज अगर आरसीएम करने का डिसीजन मैंने लिया है और अलग अलग फेज में जब मैं जाऊंगी, या कोई भी लड़की है वो जब शादी करेगी और शादी करने के टाइम पे अगर टेक्निकल अचीवर है, वो जिस इलाके में जाएगी, जिस स्टेट में जाएगी, अगर कोई बिहार की लड़की है वो साउथ इंडिया में जाएगी ना, वहां पे जाके अपना बिजनेस करेगी, और जब शादी करेगी तो पढ़ लेवल पर रहेगी, और जब शादी करके जाएगी तो स्टार पढ़ लेवल पे जाएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आरसीएम बिजनेस का, जहां पे दूसरी जगह आपको हर बार हर एक स्टेज में, आपकी शादी के टाइम पे, आपके बच्चे के टाइम पे, आपके बच्चे बड़े होंगे उस टाइम पे, आपके बच्चे की पढ़ाई होगी उस टाइम पे, बच्चे की शादी होगी उस टाइम पे,
बच्चा अगर फॉरेन जाएगा उस टाइम पे कहीं पे भी हर स्टेप में फीमेल को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको सैक्रिफाइस नहीं करना। जब आप अलग अलग स्टेट में जाएंगी, अलग अलग जगह पे जाएंगी, आप अपना बिजनेस को बिल्ड करेंगी और आपका चेक का साइज, आपका पेमेंट, आपका पौधा, आपका प्रमोशन होता जाएगा। ये सबसे बड़ा चमत्कारिक चीज है जो डायरेक्ट सेलिंग में है और ये चीज आपको बहुत एक्साइटमेंट देने वाला है। और ये चीज मुझे बहुत एक्साइटेड किया कि मैं कोलकाता में हूँ, यहाँ पे बिजनेस करूंगी, साउथ इंडिया जाऊंगी वहां पे बिजनेस करूंगी, मुंबई जाऊंगी वहां पे बिजनेस करूंगी, इंडिया का कोई भी कोना में जाऊंगी वहां पे बिजनेस करूंगी एंड मुझे यहाँ पे कभी भी सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं बोला जाए। इनफैक्ट अलग अलग जगह पे मैं अलग अलग डंका बजाऊंगी, मैं अलग अलग जगह पे करूंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया कि आपको यहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं करना, यहाँ पे आपको डेवलपमेंट करना है, यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। और ये चीज मुझे बहुत मोटिवेट किया, कुछ डेटा थे, कुछ पेमेंट था, कुछ फ्यूचर थी, कुछ फ्रीडम थी, सभी चीजों को देखते हुए मैंने सेल्फ डिसीजन लिया। और जिस दिन मैंने सेल्फ डिसीजन लिया उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं बोले कि तू नहीं कर सकती, ये मेरा कमिटमेंट है। और जिस दिन आप सेल्फ डिसीजन लेते हैं उस दिन आपका कमिटमेंट आ जाता है, और जब कमिटमेंट आ जाता है तो आप खुद के लिए काम करने लगते हैं। तो मैं सबसे पहला चीज जो बताना चाहती हूँ, सबसे पहले आप सेल्फ डिसीजन लीजिए। सेल्फ डिसीजन ज्वाइनिंग लेने का नहीं, सेल्फ डिसीजन कि मैं आरसीएम में एक अलग पहचान बनाऊंगी, मैं आरसीएम में एक अलग मुकाम पे जाऊंगी, मैं आरसीएम में टेक्निकल लेवल पे जाऊंगी, मैं आरसीएम में डायमंड लेवल तक जाऊंगी और दुनिया को दिखाऊंगी कि महिला जो कर सकती है ना वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि महिला ही है जो यूनिक कर सकती है। पुरुष का सारा काम महिला कर सकती है पर महिला का सारा काम पुरुष नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल दूं तो आप गर्भ धारण कर सकती है पर पुरुष नहीं कर सकता। मतलब कि आप पुरुषों का सारा काम, कोई एक काम बताइए जो पुरुष आप नहीं कर सकते। और आज के टाइम पे इंडिया में क्या, पूरे हिंदुस्तान में क्या, पूरे वर्ल्ड में हर एक सेक्टर में महिला अपना डंका बजा रही है, लेकिन महिला जो काम कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। महिला घर संभालते हुए जॉब कर सकती है पर पुरुष किसी को बोल दीजिए उसकी मतलब बैंड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो टैलेंट उसमें नहीं है। जो मल्टी टैलेंटेड हम है ना, एक साथ सब कुछ कर लेते हैं, वो उनमें ताकत नहीं है। और यही कहते हैं कि ईश्वर की अलग कृपा है हम पे, भगवान की, अल्लाह की, खुदा की एक अलग कृपा है हम पे। पर जो अलग अलग पुरुष समाज ने, या कहते हैं ना हमारा पुरुष प्रधान समाज, इस पुरुष प्रधान समाज ने अपने को ऊंचा बढ़ाने के लिए हमें दबा दिया, लेकिन वो हमारे टैलेंट को दबा नहीं पाए, हमारे अंदर जो ताकत है उसको नहीं दबा पाए। उस ताकत को समझ के अगर हम काम करेंगे ना, बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे। अपनी ताकत को समझिए, सेल्फ डिसीजन लीजिए और बड़े कमिटमेंट के साथ लग जाइए कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमको तो बड़े मुकाम पे जाना है, मुझे तो डायमंड जाना है। तो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जैसे ही आपका सेल्फ डिसीजन हो जाएगा ना, सेल्फ कमिटमेंट आ जाएगा, फिर आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करने लगेंगे। और ये सेल्फ डेवलपमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मधुसूदन का 10th में कितना मार्क्स आया, 12th में कितना मार्क्स आया, उसने PhD के सब्जेक्ट में कर रही है, ग्रेजुएशन में कितना अच्छा मार्क्स आया, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता जब आरसीएम की बात आती है। तो आरसीएम में वो सब काम नहीं आता, आरसीएम की बात काम आती है। आरसीएम में ये चीज बात आती है कि मधु 6 बेसिक फॉलो कर रही है कि नहीं, 8 कोर स्टेप फॉलो कर रही है कि नहीं, 7 कार्डिनल रूल का फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, ये 1 PM वाला प्रोग्राम अटेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, डेली प्लान दिखा रही है कि नहीं दिखा रही, अपने टीम को डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही, ये मायने रखता है। दुनिया में बाहर में आप क्या कर रहे हैं कुछ भी मायने नहीं रखता। आपको सेल्फ डेवलपमेंट अगर आरसीएम में सफल होना है तो आरसीएम की चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, आरसीएम का प्रोडक्ट, आरसीएम का प्लान, आरसीएम का टीम मैनेजमेंट, और सबसे बड़ी बात आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन। मैं आरसीएम में आज तक लगभग मुझे 6 साल हो चुके हैं और इस 6 साल में मैंने पर्सनली मैंने बहुत सारे लोगों को ऊपर चढ़ते भी देखा और नीचे उतरते भी देखा है, लेकिन मैं यह 100% दावे के साथ बोल सकती हूँ जिसकी नीयत सही थी तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हुई भी आई वो ऊपर ऊपर चढ़ते गए। और जो कितना भी ऊपर लेवल पे हो अगर उसकी नीयत में खोट है तो फिर वो नीचे आ जाता है। तो आरसीएम बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है, एक पवित्र सिस्टम है जहां पे आपकी नीयत बहुत काम करती है। अगर आपकी नीयत है खुद को डेवलप करने की और टीम को आगे बढ़ाने की, लोगों का भला करने का, लोगों को लिए अच्छा करने का, तो फिर आप यहाँ पे जीत जाएंगे। अदरवाइज आप कितने टैलेंटेड है, कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ काम करते हैं, कुछ भी मायने नहीं रखता अगर आपकी नीयत खराब है। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छा इंसान बनना होता है। अगर आप बहुत अच्छे इंसान है ना तो आरसीएम की बड़ी से बड़ी कामयाबी आपकी आने वाली है। और ये मैं पक्का दिल से विश्वास के साथ
एक पेपर पेन पे आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छी महिला हैं, आप बहुत अच्छा लोगों का सोचती हैं और खुद को सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रही, तो आपके लिए बड़ा से बड़ा पिन यहाँ पे रखा हुआ है, अगर नीयत अच्छी है तो। और सेल्फ डेवलपमेंट का सबसे अच्छा तरीका मैं बताती हूँ, वो होता है एक्शन करके, एक्शन कीजिए। क्योंकि देखिए, कितना भी नॉलेजेबल पर्सन हो, अगर वो घर में बैठा है, एक्शन नहीं कर रहा है, तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप एक्शन करते हैं तभी सीखते हैं। मुझे पता है, जिस टाइम पे मैं स्टार्ट की थी तो मेरा मंडे टू फ्राइडे पूरा का पूरा क्लास होता था, और फ्राइडे की नाइट को ही मैं निकल जाती थी, कहीं पे सैटरडे पहुंचती थी, सैटरडे पूरा दिन काम करती थी, संडे पूरा का दिन काम करती थी, और संडे की रात को अपना ट्रेन पकड़ के या जो भी बस पकड़ के मैं वापस कॉलेज आती थी, मंडे को सुबह से मैं अपना कॉलेज अटेंड करती थी। तो मुझे एक भी ऐसा वीक याद नहीं है इनिशियली जिस टाइम पे मैं काम कर रही थी कोविड से पहले। कोविड के बाद तो बहुत सारी चीजें बदल गई है, जूम पे सब कुछ आ गया, लेकिन कोविड से पहले जब जूम नहीं था, तो मुझे ऐसा कोई सैटरडे संडे याद नहीं है जहां पे मैं कॉलेज में बैठी रहूं या अपने रूम में बैठी रहूं। मैं हमेशा बाहर निकलती रहती थी, धूप हो, बारिश हो, जाड़ा हो, ठंडा हो, कुछ भी मैटर नहीं करता था। मुझे पता था कि मुझे बड़े लेवल पे जाना है, मुझे अगर रॉयल्टी टेक्निकल पे जाना है तो मुझे काम करना होगा, और मेरे लिए काम कोई और नहीं करेगा, मुझे अपना काम खुद करना पड़ेगा। और उस टाइम से मैं निकलना स्टार्ट की, और मेरे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल बातें हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं फील्ड में बहुत रही हूँ, बहुत खटी हूँ मैं। लगातार 15 दिन 20 दिन तक मैं बाहर बाहर रहती थी, कहीं इनफैक्ट कई बार मेरी मम्मी को पता नहीं होता था कि आज मैं बिहार के स्टेट में हूँ तो कल मैं यूपी में रहूंगी, कि झारखंड में रहूंगी, कि बंगाल में रहूंगी, कि दिल्ली में रहूंगी। इस तरीके से मैंने काम किया है। एक्शन जो है ना, आपको बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाएगा, और एक्शन जितना सिखाता है उतना कुछ नहीं सिखाता है। मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ जूम मीटिंग का, यूट्यूब का, सब कुछ का, लेकिन ये सारी चीजें आपको ना थ्योरी देती है, प्रैक्टिकल तो आपको फील्ड में जाके ही करना है। तो फील्ड पे कीजिए जूम, आज के टाइम पे जूम पे प्लान दिखाइए, फोन पे प्लान दिखाइए, आपका एक्शन होना चाहिए, और जब आप एक्शन करेंगे तो फिर आप बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। मेरी अपलाइन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है, वो एग्जाम्पल मैं अभी आप सभी के साथ देना चाहती हूँ। आपके पर्स में ना नोट रहते हैं, वो नोट 5 रुपये का भी होता है, 10 रुपये का भी होता है, 20 रुपये का भी होता है, 50, 100, 500, 2000 भी होता है, राइट? आप सब नोट का पेपर देखिएगा, सब पेपर एक तरह का ही होता है, मतलब एक कोरा कागज ही होता है सब। हम सभी कोरा कागज ही हैं। जिस टाइम पे हमारा जन्म हुआ था, पैदा हुआ था, तो कभी आप ये नहीं सुने होंगे कि अरे उस गांव में एसपी पैदा हो गया, उस गांव में डॉक्टर पैदा हो गया, उस गांव में एक आईएएस ऑफिसर पैदा हो गया, उस गांव में प्रधानमंत्री पैदा ले लिया, उस गांव में एक आयरन रेडी पैदा हो गया, उस गांव में एक पायलट पैदा हो गया। कोई नहीं, पैदा तो एक बच्चा ही होता है, या बच्ची ही होती है। वो अपने जन्म के बाद में क्या कर्म करते हैं उससे डिसाइड होता है कि वो जिंदगी में क्या बने। कौन पैदा हुआ ये कभी कोई नहीं सुना, लेकिन ये जरूर हम सुने कि अरे एक एसपी मर गया, एक एसपी का डेथ हो गया, एक प्रधानमंत्री का डेथ हो गया, एक राष्ट्रपति का डेथ हो गया, एक पायलट का डेथ हो गया, एक डॉक्टर का डेथ हो गया, राइट? यानी कि पैदा होके कोई कुछ नहीं बनता, वो जीवन में क्या करता है उस पर निर्भर करता है कि वो क्या बनेगा। उसी तरीके से एक कोरा कागज ही होता है, एक सफेद पेपर ही होता है, पर उस सफेद पेपर पे क्या प्रिंट हो रहा है उस पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। वो 2000 का नोट बनेगा कि 200 का, कि 100 का, कि 2 रुपये का, कि 50 का, ये डिपेंड करता है कि उस पर क्या प्रिंट होता है। उसी तरीके से हमारी लाइफ है, हम एक पर्सनालिटी है, हम पैदा हुए थे वैसा ही पैदा हुए थे, ना हमें बोलना आता था, ना चलना आता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन लाइफ पे हम खुद को क्या सिखा रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, किसके संगति में रह रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 6 बेसिक 8 कोर स्टेप 7 कार्डिनल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही सारी चीजें निर्भर करेगी कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या होगी, हम 2000 वाले बनेंगे कि 200 रुपये वाले या 20 रुपये वाले, ये इस पे डिपेंड करता है। तो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और इस पे मैंने बहुत काम किया, क्योंकि मैं उसी फेज में थी, स्टूडेंट थी, तो पढ़ना लिखना मेरा काम था, और मेरे अंदर एक कीड़ा था कि मुझे हर एक चीज सर्च करना है, सीखना है, जानना है। अपलाइन ने अगर बताया कि ऐसा ऐसा, तो मुझे 2 लाइन और ऐड करना है। इसलिए आज भी अपलाइन बोलते हैं कि मतलब तुम सीखने में तो एक्सपर्ट हो, क्योंकि मुझे सीखना अच्छा लगता है। जिस दिन आपको सीखना अच्छा लग गया और सिखाना अच्छा लग गया, उस दिन आप भी बहुत अच्छा कर लेंगे। तो मैंने सेल्फ डेवलपमेंट के पर बहुत काम किया। पहला था सेल्फ डिसीजन, दूसरा सेल्फ डेवलपमेंट, इसके बाद तीसरा चीज आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और महिलाएं इसमें बहुत कंजूसी करती है, इनफैक्ट बहुत लापरवाह होती है, वो क्यों मैं बोलती हूँ। तीसरी चीज है सेल्फ केयर, सेल्फ लव। हमें ना परिवार में अगर 10 लोग हैं ना, हम 10 लोग का ध्यान रख लेंगे,
उसके खाने का, उसके कपड़े का, उसका सोने का, उसका कहीं जाने आने का, उसका टिफिन पैक करना, बच्चे हैं तो उसका बैग पैक करना, सब कुछ। पर हम इन सब में खुद को खो दे देते हैं, वो है हम खुद महिला। और मुझे मम्मियों से तो इतनी शिकायत रहती है ना कि माई गॉड, मेरा तो मतलब कहते हैं, मैं मतलब मम्मियों को जब देखती हूँ तो इनफैक्ट मतलब ऐसा लगता है मुझे गुस्सा आता है थोड़ा। मम्मियाँ हमेशा अपनी ब्रेकफास्ट स्किप करती है, वो पूरे घर का ध्यान रखेगी पर अपना ध्यान नहीं रखेगी। और मुझे लगता है कि एक चीज जरा सोचिए आप, अगर कोई महिला है, अगर वो परिवार में 5 लोगों का 10 लोगों का ध्यान रख पा रही है और खुद का ध्यान नहीं रख पा रही है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको मैं सिंपली ये नहीं बोलते कि वो कैपेबल नहीं है, वो कैपेबल है, वो नहीं कर रही है जस्ट बिकॉज वो अपने प्रति लापरवाह है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप अपने प्रति लापरवाह हैं, अगर आप खुद के खाने का, खुद के हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो क्या आपको कामयाबी आएगी? क्या आप ऊंचे मुकाम पे जाएंगे? जब तक आप अपने आप को फिजिकली फिट नहीं रखेंगे, तब तक आप अपना आपका दिमाग नहीं चलेगा, और जब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा तो आप उस गोल पे, रॉयल्टी टेक्निकल पे नहीं पहुंच सकते। सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने जीवन में बड़े लेवल पे जाना है तो अपना केयर करना सीखिए, अपना ध्यान रखना सीखिए, खुद से प्यार कीजिए, अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, अपना लंच कीजिए, अपना रात का डिनर कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर सोइए, एक्सरसाइज कीजिए। कई बार महिलाएं जो खासकर बोलते हैं ना होम मेकर, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस वाइफ, मुझे तो ये वर्ड ही कभी समझ में नहीं आया कभी भी समझ में नहीं आया, ये हाउस मैं होम मेकर बोलती हूँ, ठीक है, आप घर बना रही है, घर सजा रही है, घर का ध्यान रख रही है, परिवार का ध्यान रख रही है, ठीक है, आप होम मेकर। ये जितने भी होम मेकर महिलाएं होती है ना, अक्सर अपना ब्रेकफास्ट स्किप करती है, अक्सर वो कम सोती है, एक्सरसाइज नहीं करती, अक्सर बहुत ज्यादा काम करती है, उनका काम ये 14 घंटे 16 घंटा भी हो जाता, हमेशा दौड़ते भागते रहती हैं। तो ये सब मैं काम करने को मना नहीं करती, मैं बस इतना कहती हूँ कि आपको जितना काम करना है आप काम करो, लेकिन खुद का ध्यान रखे, खुद का ध्यान रखो। मेरे साथ क्या हुआ था, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं हॉस्टल में रहने वाली लड़की हूँ जहाँ पे सब कुछ खुद भी करना पड़ता है। आपको ब्रेकफास्ट करना है, खुद से जाइए, खुद से लेके आइए, खुद से कीजिए, आपको लंच करना, आपको डिनर करना, सब कुछ। और कई बार ऐसा होता था कि मुझे होम मीटिंग के लिए, कहीं पे मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए या प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाना होता था ना, तो वो टाइम नहीं होता था। मेरा कैंटीन या जहाँ पे मुझे खाना मिलता है, जो हॉस्टल का मेस होता है, वो खुलने का टाइम होता था 7:30 बजे या 8 बजे, और मुझे सुबह सुबह निकलना है 7 बजे। आप जरा सोचिए, मुझे 7 बजे निकलना है, कैंटीन खुलने का 7:30 8 बजे, मैं खुद से कुक करूंगी तो उतना टाइम नहीं है, मुझे निकलना भी है, आके क्लास भी अटेंड करना है, उस टाइम पे खुद का ख्याल कैसे रखते हैं? और उस टाइम पे आरसीएम का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ने मेरा साथ दिया, और उस प्रोडक्ट के कारण भी आज मैं यहाँ पे हूँ। कहते हैं अगर मैं एक कैलकुलेशन अगर आपको बताऊं यहाँ पे, हालांकि बहुत सारे लोग इस बात का डिस्कशन नहीं करना चाहते, खासकर लड़कियां, इनफैक्ट अपनी माँ से भी ये बात नहीं करना चाहती, पर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे 1000 लोग हैं, इस प्लेटफॉर्म पे मैं खुल के बात करना चाहती हूँ बारे में, कि हम लड़कियों का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है हमारा जो महामारी का टाइम होता है, हमारा पीरियड्स का टाइम होता है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां पे जिस टाइम पे होता है, उस टाइम की बात होती है। ऑन एन एवरेज 3 से 4 दिन जो होते हैं ना, वो दुख तकलीफ रहता है। मैं उसको दुख तकलीफ इसलिए बोल रही हूँ कि सच में वो टाइम जो ऐसा होता है वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि वहां पे आपकी हार्मोनल चेंज होते हैं, आपका ब्लीडिंग भी हो रहा है, आपको दर्द भी हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, आपके पैर में दर्द होता है, अलग अलग दर्द हो रहा है। आरसीएम से पहले वाली जो मेरी लाइफ थी, वो 3 से 4 दिन हर एक महीने के, वो बहुत पेनफुल था, बहुत बहुत ज्यादा पेनफुल। इनफैक्ट इतना पेनफुल था, मैं अगर अपने बारे में बस बात करूं, मैं ना ठीक से खा पाती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी वोमिटिंग भी होती थी, मैं जो भी खाती थी मैं उल्टी कर देती थी, मेरा इतना खराब कंडीशन था। आज मैं थोड़ी ठीक ठाक आपको दिख रही हूँ, ये जस्ट बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट है। इससे पहले मैं बहुत थी, बहुत पतली दुबली थी, और उस टाइम पे मेरा बहुत प्रॉब्लम होता था, मैं जो भी खाती थी वो वोमिटिंग हो जाता था, मैं ना सो पाती थी ठीक से, ना ही उठ पाती थी, ना खड़े रह पाते थे, ठीक है, हर टाइम पे पेन 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 ऐसा होता था। अब सोचिए किसी के लाइफ में हर एक महीने 3 से 4 दिन अगर वैसा चल रहा है, मैं ऑन एन एवरेज 4 दिन मानू, और किसी का अगर 14 साल में स्टार्ट होता है और 50 साल में मोनो हो जाता है, तो लगभग 36 साल है, और इस 36 साल में अगर हर एक दिन, हर एक महीने हो रहा है 3 से 4 दिन, अगर आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे 36 गुना 3, मैं इसको फिर से अच्छे से बताती हूँ, कि अगर किसी महिला है, कोई महिला की लाइफ में 14 साल में उसका पीरियड्स स्टार्ट हुआ है और वो 50 साल तक मोनोपोज स्टार्ट होता है, मतलब पीरियड्स खत्म होता है, लगभग बीच में 36 साल आते हैं। इस 36 साल में हर एक
हर एक महीने मतलब कि 3 दिन कम से कम उसका खराब होता है। साल में 12 महीना होता है, 12 या 36, अगर 36 गुना 36 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1200 समथिंग डेज होता है। अब 1200 लगभग दिन को अगर आप देखेंगे तो लगभग ये होता है 4 साल, मतलब कि हम महिलाओं को 4 साल अपने पूरे को पूरे लाइफ पीरियड में वो पेन सहना पड़ता है, उस चीज को देखना पड़ता है, उस चीज को बर्दाश्त करना पड़ता है। अब जरा सब खुद सोचिए, आप खुद जरा सोचिए कि कोई आदमी अगर 1 साल काम नहीं करता है ना, तो सोचते कह रहे मैं लाइफ में कितना पीछे हो गया। तो कोई लड़की है जिसके लाइफ में 3 दिन ऐसे होते हैं जिस 3 दिन वो ना कुछ खा पा रही है ना। मेरा एक्सट्रीम केस था, मैं नहीं कहती हूँ कि सबका ऐसा होता है, पर कम से कम मेरे पास ऐसे बहुत सारी लड़कियां आई हैं जो कि 5 में से 2 लोग 5 में से 1 लोग ऐसे हैं जिनका कि एक्सट्रीम केस होता है, वो 3 से 4 दिन कुछ नहीं कर पाती, ना कुछ खा पाती है, ना सो पाती है ठीक से, ना खुद पढ़ाई कर पाती है, ना स्कूल जा पाती है। यानी कि अपने पूरे लाइफ में अगर उसने कुछ नहीं किया, कई बार डॉक्टर को दिखाने के बाद भी वो ठीक नहीं होती है, और ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं और मैंने उसको ठीक करा है। कैसे ठीक करा है उसके बारे में भी बात करूंगी, मैंने खुद को भी ठीक करा है। यानी कि वो अपनी लाइफ में 4 साल बर्बाद कर देगी ऐसे, और 4 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, ऑन एवरेज 4 साल किसी के लाइफ में अगर बर्बाद हो रहा है, और बर्बाद ऐसे नहीं हो रहा है मस्ती करते हुए, कष्ट को झेलते हुए, जो कष्ट वो किसी को बोल भी नहीं रही है, तो ये बहुत पेनफुल है और मैं इसको तो बर्दाश्त नहीं करती। और मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ रही थी, और ढूंढते ढूंढते मेरे पास 2 प्रोडक्ट मुझे मिले, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, और मैं आज जो भी हूँ मैं इसके बदौलत हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ। ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको मैं लगातार ली, और लगभग 3 महीने के बाद में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि आज मैं उस टाइम पे भी, अपने पीरियड्स के टाइम पे भी अच्छे से काम कर पाती हूँ, अच्छे से खाना खा पाती हूँ, अच्छे से सो पाती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट ने मेरी खत्म कर दी। और इनफैक्ट ऐसा हुआ कि जब मैं RCM में आई और धीरे धीरे मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो जो बड़े बड़े इवेंट होते थे वो उस दिन ही होते थे जिस दिन मेरा पीरियड्स होता था। ऐसे ऐसे इवेंट जहाँ पे 3,000 लोगों का इवेंट है, 3,000 लोगों को देखना है, मैं मैनेजमेंट में हूँ, सब कुछ मेरे पे जिम्मेदारी है, और उस दिन मैं अपने दूसरे या तीसरे दिन के या पहले दिन के पीरियड्स में होती थी, और मैं ये सब बस इसलिए कर पाती थी क्योंकि ये 2 प्रोडक्ट मेरे साथ था। मैं लगातार जब से मैं RCM में हूँ तब से मैं लगातार ये प्रोडक्ट ले रही हूँ, और आज चाहे मेरी हेल्थ की बेनिफिट हो, मेरी स्किन की बेनिफिट हो, इनफैक्ट मैं बहुत एलर्जिक हूँ, एलर्जिक इतनी हूँ कि अगर मैं थोड़ा देर डस्ट में ट्रेवल कर ली तो मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ जाते थे, इतनी एलर्जिक हूँ मैं। मुझे ठंडी भी बहुत लगती है, गर्मी भी बहुत लगती है, इतने सारे स्किन एलर्जिक होने के बावजूद जो हमारा फेस वॉश है वो फेस वॉश ने मुझे बहुत हेल्प किया, और ये 2 प्रोडक्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया, और इस 2 प्रोडक्ट के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरा पीरियड्स का हो, चाहे मेरा स्किन एलर्जी हो, मेरा हेल्थ हो, मेरा वेट गेन हो, मेरा जितना भी प्रॉब्लम था उस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस प्रोडक्ट ने किया। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना केयर करें। कुछ भी नहीं जाता ये 2 प्रोडक्ट को लेने में, सुबह को आपको पानी के साथ या दूध के साथ आप ले सकती हैं, अगर लेने में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट में 2 मिनट का काम है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ये भी नहीं करती। अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम लापरवाही करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हम इतना नुकसान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपका 3 दिन या 4 दिन का नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने काम से कटेंगी, आपकी रेगुलरिटी हटेगी, और जब जब आप डिसकंटिन्यू करते हैं कोई काम को तो फिर से कंटिन्यू करने में बहुत टाइम लग जाता है, और ये बात हमें समझने की जरूरत है। इस बात पे हमें खुद को ये बताना है कि हम कितना पीछे चले जाएंगे। अगर हमें आगे जाना है तो अपना ख्याल रखिए, अपने अपने आप को प्यार कीजिए, खाना, सोना, एक्सरसाइज प्लस सप्लीमेंट, खुद का ध्यान रखिए। और मैं पर्सनली ये मानती हूँ जो खुद से प्यार कर सकता है ना, तभी वो दुनिया से प्यार कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मैं तो बहुत त्यागी हूँ, बलिदानी हूँ, सैक्रिफाइस करने वाले हूँ, तो मैं बोलती हूँ बस मैं समझ गई, जो आदमी खुद का ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का ख्याल क्या रखेगा। जिसको खुद की बॉडी का दर्द का इलाज करना नहीं आता वो दूसरों की बॉडी का दर्द का इलाज कैसे करेगा। बहुत सारी माँ है जो ऐसा करती है, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप माँ है पर अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप माँ हो के अपना ख्याल नहीं रख रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं बच्चे के लिए सैक्रिफाइस कर रही हूँ, पर लॉन्ग टर्म में आपका बच्चा परेशान होगा। अगर मैं बोलूं, मैं कई बार ट्रैवलिंग करती हूँ, ट्रैवलिंग करने के टाइम में मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को लेके उसको गोद में उठा के
ट्रेन में चढ़ा रहे हैं, उसको गोद में उठा के सब कुछ कर रहे हैं, और उनकी एज भी ज्यादा नहीं होती। मैं पूछती हूँ क्या हुआ है, बोलते हैं हार्ट का प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रही है। वो बोलते हैं घुटने का प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रही है। तो आपको क्या लगता है, आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट नहीं लेके आप अपने बच्चों को खुश कर रही है, लॉन्ग टर्म में बहुत दुखी कर रहे हैं? बहुत कष्ट है, पैसे से भी कष्ट है, फिजिकली भी कष्ट है, इमोशनली भी कष्ट है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपको अपना ध्यान रखना है। आप अपने लक्ष्य के लिए रखिए, खुद के लिए रखिए, अपने सपने के लिए रखिए, अपने परिवार के लिए रखिए, अपने बच्चे के लिए रखिए, पर आपको खुद का ध्यान रखना है। और कोई भी नहीं आएगा, नोबडी, कोई भी नहीं आएगा आपका ध्यान रखने के लिए। क्योंकि एक बच्चा अगर कोई है तो उसको ध्यान रखने के लिए उसकी माँ है, पिताजी है, उसके घर वाले, दादा दादी, सब कुछ है। लेकिन एक महिला, खासकर जब वो विवाहित हो जाती है, मैरिड हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो कोई उनका ध्यान नहीं रखता। मैं सब केस में नहीं बोलती, लेकिन मैं ये बोलती हूँ खाने पीने का ध्यान तो एटलीस्ट आपको रखना चाहिए, सेल्फ केयर कीजिए। मैंने सीखा है लाइफ में, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे डायमंड तक जाना है, तो मुझे अपने हेल्थ को ठीक रखना होगा, मुझे फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली फिट रहना पड़ेगा, और उसमें ये प्रोडक्ट मुझे हेल्प करता है, और मैं ये प्रोडक्ट लगातार लीजिए। खुद को खुश रखिए, खुद को हैप्पी रखिए। तो ये तीसरी चीज थी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट चीजें हैं, फैमिली का सपोर्ट, अपलाइन का सपोर्ट लीजिए। सपोर्ट कोई करता नहीं, हमें खुद लेना पड़ता है। ये सपोर्ट लेना आपको आना चाहिए। और मैं पर्सनली बोलूंगी, जब मैं कमिटेड हो गई बिजनेस को करने के लिए, और मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी ऐसी स्टोरी यहाँ पे आई, मैं मुझे सुन के बहुत दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुआ, कि बहुत सारे ऐसे थे जिनको पति ने छोड़ दिया, या पति को घर उनको घर से निकलना पड़ा आरसीएम को करने के लिए। महनाज बेगम का स्टोरी आया, मुझे बहुत खराब लगा था। लेकिन जो यंग जनरेशन है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। पति पत्नी का रिश्ता मुझे नहीं पता उसमें कैसे क्या होता है, लेकिन माँ बाप का जो रिश्ता होता है ना, वो चाहते हैं बच्चे को खुश देखना, वो चाहते हैं बच्चों को हेल्प करना। अगर आपने दिखा दिया कि आरसीएम में मेरा फ्यूचर है और आरसीएम में हम बड़े लेवल पे जाएंगे, तो आपको मदद मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगा। इनफैक्ट आज मेरे से ज्यादा मेरी मेहनत मेरी मम्मी करती है। कई बार मुझे बताना पड़ता, मम्मी इतना धूप में क्यों जा रही हो, फील्ड वर्क के लिए भी मत जाओ, बहुत धूप है, बहुत हीट वेव है, बाद में जाना। पर फिर भी वो जाती है, मेरे से बहुत गुना तिगुना चौगुना मेहनत करती है, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनके बच्चे का फ्यूचर यहाँ पे है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि आपको फैमिली से सपोर्ट लेना है, साथ में अपलाइन से सपोर्ट लेना है। आप अपने अपलाइन को देखिए, कई बार हमें ऐसा लगता है, जब हम टीनेजर होते हैं ना, जो नाइन्थ क्लास से ग्रेजुएशन करने तक के बच्चे जो होते हैं ना, वो टीनेजर अगर मैं उसको बोलूं, तो ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्या लगता है कि माँ बाप हमारे बहुत बड़े दुश्मन है। माँ बाप का बात कभी लगता है कि यार क्या बोलते हैं, पुरानी पीढ़ी के हैं, पुरानी सोच के हैं, इस तरीके से हैं। लेकिन हमें, जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमें पता चलता है ब्रह्मांड में अगर कोई दो लोग हैं जो निस्वार्थ रूप से बिना किसी अपेक्षा के आपकी मदद और आपकी अच्छाई चाहते हैं, आपको कामयाब देखना चाहते हो, तो वो आपके माँ बाप ही। तो जैसे लाइफ में आपके माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार है, और वही है जो निस्वार्थ भाव से आपको कामयाबी पे लेके जाना चाहते हैं, उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में कहते हैं अपलाइन माँ बाप है, क्योंकि वही अपलाइन ही है जो निस्वार्थ भाव से हमेशा चाहेगा कि आप कामयाब बनो। इसलिए अपलाइन को समर्पित हो जाइए। मैं बहुत लकी हूँ, ये चीज मुझे बहुत पहले समझ में आ गई, मैं अपलाइन को समर्पित हो गई थी। अपलाइन जो बोलती थी ना, मैं करती थी। कई बार ऐसा लगता था कि अपलाइन सही नहीं बोल रही थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अपलाइन है तो कर लेते हैं, बोले हैं तो कर लेते हैं, गुरु का बात नहीं डालते, और मैं उसको करती गई, और उसी का फल है कि मैं इनरोल्ड पे हूँ आज। तो थैंक यू सो मच, इतनी ही बात मुझे आपसे कहनी थी। ये चार चीज मैंने की, अगर मैं इसको रिपीट कर दूं, एक साथ मैं आपको रिपीट कर दूं, तो पहला चीज था सेल्फ डिसीजन, सेल्फ डिसीजन से सेल्फ कमिटमेंट आया, उसके बाद था सेल्फ डेवलपमेंट, सब कोरा कागज बन के आते हैं, उस पर आप क्या प्रिंट करते हैं उस पर निर्भर करता है। तीसरी चीज होती है खुद का केयर कीजिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, फेस वॉश, ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो प्रोडक्ट ने मुझे हेल्प किया खुद को फिजिकली एक्टिव रखने में, खुद को सब कुछ से जूझने के लिए। और साथ में मैंने फैमिली का, अपलाइन का बहुत अच्छा सपोर्ट ली, मैं समर्पित हुई अपने माँ बाप के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, और इसलिए आज मेरी कामयाबी यहाँ पे है। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करती हूँ सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी, और कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।